उत्तराखंड से हमें कॉल आया है सत्येंद्र जी का। अजी सत्येंद्र जी, किस तरह की परेशानी है आपके साथ, सवाल आप कर सकते हैं। जी हेलो। आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। जी हाँ सवाल जी। करें। हाँ जी, ऐसा है मैडम, हमारा जो है, मेरी 53 साल की एज है जी और भी मेरा एक बाजू चट्टी में उखड़ गया था, बिल्कुल बगल से ही। एक बार कभी फिर तबीयत से का आप बड़ा बताएं, मार। आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, किस तरह की समस्या है? हाँ, मेरी समस्या ये है कि मैं इस पर भरम तो आते रहता है, सुबह को 2 बार लेटरिन जाता हूँ, लेटरिन आती दस्ती आती, उसके बाद में चेकअप कर जाते हैं। जी और मैं, हाँ, और मैं कभी कभी पहले इसके कोरोना के चक्कर में 3 बार भी लेता था काम उनको, लेकिन तो माँ आप परेशानी आ रही थी, सुबह को 2 बार लेटरिन ही आएगी, उसके बाद जो है शरीर में 15 दिन चक्कर जैसे आने लगते हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 53 साल। 53 साल। और ये जो समस्या आप बता रहे हैं ये कब से है आपके साथ? ये तो 1.5 साल। 1-1.5 साल से। ये बताइए, ये पतले पतली लेटरिन होती है या मुश्किल से लेटरिन होती है, क्या कहना चाह रहे हैं? 2 बार तो आती है, आ जाती है लोगों को, कभी कभी मुझे भी आ जाती है। परेशानी क्या है, तकलीफ से आती है? नहीं, पतली नहीं आती, ये जो है लेटरिन 2-3 बार आती है, तुरंत फ्रेश फ्रेश होने से पहले पहले, उसके बाद अगले दिन नहीं आएगी, उसके बाद कमजोरी बन जाती है। कमजोरी आ जाती है ऐसा जी, और गैप रहता है, जैसे आज चले गए तो कल तकलीफ होती है, पेट क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और यूनानी में हर समस्या का निदान है। देखिए, मेथी तो आप समझते हैं, मेथी का दाना लीजिए 500 ग्राम मेथी, और इसको पाउडर बना लीजिए, बहुत बारीक नहीं, पाउडर बना लीजिए 500 ग्राम का। और एक आता है नमक जैतून, ये रसायन होता है जैतून का। जैतून एक फल है जो खाड़ी के मुल्कों में पैदा होता है, जिसका सेवन, जिसका तेल निकाला जाता है, उसका सिरका भी होता है, इसका नमक भी होता है। नमक जैतून के नाम से, या रसायन जैतून, या एस्टेक जैतून, ये 150 ग्राम लेकर इसमें मिला लीजिए। ये नमकीन नहीं होता, इसे कहते नमक है, देखने में नमक है लेकिन नमकीन नहीं होता। इसमें 150 ग्राम मिला लीजिए और पाउडर बना लीजिए, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम खाया करें। ज़रूरत पड़ने पर एक एक चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन आधा आधा चम्मच शुरू करें, और ये आप ख़त्म होने से पहले आपकी समस्या का समाधान मुमकिन। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मीना देवी जी ने हमें कॉल किया है। मीना जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल करें आप अपना। हेलो मीना जी, सवाल करें। सवाल ये है, थायराइड है। कब से है? थायराइड हो गया 4-5 साल से। जी, परेशानी क्या है आपके साथ, मतलब थायराइड की वजह से क्या समस्याएं आती हैं आपको? परेशानी है, माथा दर्द करता है, कमर दर्द करता है। जी हकीम साहब, देखिए थायराइड ठीक कर लें तो हो सकता है किसी और इलाज की ज़रूरत ना पड़े। थायराइड का एक कामयाब नुस्खा जो मेरे जीवन और अनुभव से होकर गुजरा और जिसके करोड़ों लोगों ने लाभ उठाया, आपको पेश कर देता हूँ, लिख लीजिए। कॉपी पेन है तो लिखने का फ़ायदा है, आप दिमाग में रखेंगे तो निकल जाए, कोई गलती करेंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। थायराइड की गोली भी ना छोड़ें, हर महीने आपकी गोली कम करते जाएंगे डॉक्टर, इतना फ़ायदा देता है ये, और आप बहुत जल्दी, आपकी थायराइड की गोली अच्छी ठीक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और बहुत जल्दी आपकी थायराइड गोली छूट जाएगी, थोड़े दिन में ये भी ख़त्म हो सकता है और आप स्वस्थ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। विक्रम जी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। विक्रम जी प्रश्न पूछें आप। हाँ सर, भैया मुझे भूख नहीं लगती है और मेरा पेट घूम रहा था। जी एज बताइए विक्रम साहब।
सर 66 साल एज है सर मेरी। ठीक है विक्रम साहब, एक घरेलू नुस्खा बड़ा अच्छा है और आप जानते भी होंगे। देखिए मेथी लीजिए, 500 ग्राम मेथी खरीद लें और इसको पाउडर बना लें घर में, और एक रसायन आता है जैतून का रसायन भी कहते हैं, या नमक जैतून आसान भाषा में कहते हैं नमक जैतून, और इंग्लिश में कहते हैं एस्टेक, जैतून का एस्टेक। ये 100-150 ग्राम ले लीजिए और इसमें मिलाकर एक चम्मच सुबह एक चम्मच खाया करें, आपकी ये दोनों समस्याएं ठीक होना मुमकिन है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इंदौर से हमें कॉल किया है जुनैद साहब ने। जुनैद जी सवाल पूछें। मैडम जी सर दर्द होता है और चक्कर से आते हैं। सर में दर्द होता है चक्कर आते हैं, उम्र कितनी है आपकी? उम्र है 33 साल। 33 साल जी। हाँ देखिए बहुत कम उम्र में मेरे अनुभव के अनुसार आपको सर्वाइकल है। सर में दर्द होना और चक्कर भी आने का मतलब है कि हमारी यहाँ गर्दन में डिस्क में रग दबती है, कभी दिमाग में जाने वाली, तो कभी सर में चक्कर आता है कभी दर्द होता है, बड़ा ख़तरनाक है चक्कर। तो देखिए बगैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं, इसका मुझे काफ़ी तजर्बा है, एक ज़माने में भी सर्वाइकल का मरीज़ रहा हूँ, और जिसको सर्वाइकल होता है बड़ा उसका तमाशा होता है, डॉक्टर कहता है कि आँख का टेस्ट कराओ, आँखें कमज़ोर हो गई जी, फिर वो ठीक निकलता है तो फिर एक डॉक्टर कहता है दिमाग का टेस्ट कराओ, लेकिन सर्वाइकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और आदमी परेशान हो जाता है कितने टेस्ट कराए। एक मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज जो मैंने की और मुझे फ़ायदा हुआ, और मैंने लाखों करोड़ों लोगों को बताया, उन सबको फ़ायदा होता है जो मेरी बात गौर से सुनते हैं और मेरी एक्सरसाइज गौर से देखते हैं। देखिए ऐसे बैठिए और ये कान इससे मिलाइए कंधे से, कंधा वहीं रहना चाहिए, अक्सर लोग ही कंधा ऊपर करके कान मिला देते, ऐसे नहीं, कंधा यहीं रहे और कान ऐसे, ये 2-3 मिनट रोज़ करना है आपको, और 2-3 मिनट ऐसे पूरी तरह मोड़ें, पूरी जितनी देखिए मैं यहाँ तक ले आता हूँ यहीं देखें 2-3 मिनट, ये रोज़ाना करें, आपको बहुत आश्चर्य भी हो सकता है कि 10 दिन में ऐसा लगेगा कि आपको रोग ही नहीं है। तो देखिए दवा भी खाएं, जब आपको दर्द हो तो दर्द की दवा खाएं, लेकिन ये 10 दिन ज़रूर करें, 10 दिन में आपका विश्वास बहुत मजबूत हो जाएगा और वज़न नहीं उठाएं, आप देखेंगे कि 10 दिन में आपको फ़ायदा तो हुआ, लेकिन आप करते रहें, ये आपको बार बार होगा नहीं, तो अगर आप करते रहेंगे तो फिर दोबारा नहीं होगा, ये आपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए और आप देखेंगे कि आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। जी क्रिश चावला जी ने हमें कॉल किया है राजधानी दिल्ली से। क्रिश जी आपके साथ किस प्रकार की समस्या है? थायराइड है जी। जी थायराइड, हाँ जी, और कुछ बताना चाहते हैं? कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? एज आपकी पत्नी को है ना? 10 साल। 10 साल। 10 साल, हाँ जी, 10 साल के मरीज को थायराइड है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अभी से इलाज बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए अलसी, सॉरी देखिए धनिया दाना, धनिया का दाना 300 ग्राम, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद, ये आप पाउडर बना लें और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम गर्म पानी से खिलाएं, और थायराइड की दवा जो चल रही है अभी छोड़ें नहीं, और अपनी पुरानी रिपोर्ट अपने पास रखें और जब नई कराएंगे 1.5-2 महीने बाद नई रिपोर्ट कराएं, और आप देखेंगे कि थायराइड में कमी आने लगी और धीरे धीरे डॉक्टर आपकी इस बच्चे की पोटेंसी कम करेगा
दवाओं की और धीरे धीरे छूट जाएंगी, आप ये इलाज कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली से हमें कॉल किया है परवीन जी ने, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताएं, किस तरह की परेशानी है आपके साथ? एक तो मेरे कमर में, घुटनों में और पैरों के नीचे कमर में दर्द रहता है जी, और मुझे ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है। जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है जी 55 साल। 55 साल। हाँ देखिए, दो चीजें बताता हूँ आपको, एक एक करके भी कर सकते हैं, अलग अलग भी इलाज कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वालों को अपना खूब ख्याल रखना चाहिए, और आपके घर में जिसके भी कमर में दर्द हो और टांगों में या घुटनों में और पैरों में हो, तो उसके घर में वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग होना चाहिए। ऐसे मरीज के लिए हर घर में वेस्टर्न टॉयलेट यानी कुर्सी वाला बाथरूम ज़रूर होना चाहिए, तो ऐसे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जिनके नहीं होता उनको टाइम बहुत लगता है। तो देखिए, गोंद स्याह एक गोंद आता है जो इंतहाई कड़वा और बदसूरत होता है, काला गोंद होता है, ये काला गोंद कहते हैं, इसे गोंद स्याह भी कहते हैं। और ये 100-200 ग्राम अगर आपको मिल गया, असली लेना ज़रूरी, नकली भी मिल जाता है, बहुत कड़वा होता है लेकिन फ़ायदे में बहुत मीठा है। ये फ़ायदा पहुंचाता है तो आदमी कड़वाहट भूल जाता है इसकी। इसका पाउडर बना लीजिए और एक या दो चुटकी सुबह, एक या दो चुटकी शाम खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से लें, और पानी से भी ले सकते हैं, जूस से भी ले सकते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है। ये आपके दर्द का घरेलू नुस्खा है, और ब्लड प्रेशर के लिए जो दवा खाते हैं वो खाते रहें, और लगातार रोज़ाना 3 चम्मच जैतून का सिरका पानी में मिलाकर एक वक्त रात में पिया करें। ज़रूरत पड़े तो 2 टाइम भी पी सकते हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होना मुमकिन, लेकिन 6-7 महीने आपको पीना होगा अपनी दवा के इस्तेमाल के साथ साथ। एक और कॉलर हैं, दलदीप कौर जी ने हमें कॉल किया है भटिंडा से, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताएं, क्या परेशानी है आपके साथ? डॉक्टर साहब, मैं ना आपको अड्डा सर पर लगाया थी, जैतून का, जैतून का सिरका शायद इन्होंने मंगवाया था, आप यही कह रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी। परेशानी क्या है आपके साथ, किस तरह की बीमारी है? पहले शुगर ते बीपी ते गैस जी, अगर ना थोड़ा जा फायदा हैगा मेनू जी। कब से खा रही हैं आप? हफ्ता हो गया जी। हफ्ते भर से दवाई खा रही हैं, फायदा है थोड़ा। ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं है आपका? मैनू बीमारियां तो बहुत थी जी, मैं पहला दसियां नहीं, हुण मैं दसन लगी हां। एक मैनू ना हो गया सीगा ब्रेन अटैक, दिमाग दा जी, दिमाग का, ब्रेन का अटैक हुआ था इन्हें जी। नहीं देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, खुल के बात कर रही हैं, और ये तो पंजाबी जानती हैं, मुझे समझा रही हैं, मैं पंजाबी ज़्यादा नहीं जानता। और देखिए, 8 दिन हुए हैं, फ़ायदा शुरू हो गया, और ये भगवान का बहुत बड़ा इनाम है कि 8 दिन में अगर मरीज़ कहने लगे कि मुझे थोड़ा फ़ायदा शुरू हो गया, तो आप खुश हो जाइए। देखिए, ब्रेन का अटैक दोबारा नहीं होता जो लोग जैतून का सिरका लेते हैं जी। हार्ट का अटैक दोबारा नहीं होता, जिसको भी होता है बार बार होता है, लेकिन जो लोग ये लेते हैं उनके ऐसा इतिहास है कि दोबारा नहीं होता, लेकिन अगर दवा भी ली जाए तो बार बार होता है। लेकिन इसका ऐसा हमारा अनुभव है कि जैतून का सिरका जो लोग लगातार लेते हैं उनको दोबारा नहीं होता। दूसरा, ब्लड प्रेशर से निजात मिलना मुमकिन है, टाइम लगेगा, बहुत जल्दी मत करना आप, 5-7 महीने भी लग सकते हैं, 10 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो गोली आपकी छुटके रहेगी, और गोली खाते रहें आप अपनी वो, और डायबिटीज़ स्थिर हो जाएगी, एक जगह पर आएगी, और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाज हैं तो ये जल्दबाजों के लिए नहीं है। फ़ायदा शुरू हो गया, एक दिन पूरा फ़ायदा मुमकिन है,
भगवान पे भरोसा करिए, मुझ पे मत करिए, दवा पे मत करिए, भगवान भरोसा करिए, आपको फायदा होना मुमकिन है।